हेलो गाइस, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ढेर सारी समर मैक्सी एंड शॉर्ट ड्रेस, जो कि फ्लोरल प्रिंट में है, गर्मियों में पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल होंगी। इवन आप इन्हें विंटर में भी वियर कर सकते हो। कुछ बर्थडे ड्रेस हैं, कुछ वेकेशन के लिए बाहर जाने के लिए ड्रेसेस हैं। एंड बेस्ट थिंग, जो कि मेरी हर एक वीडियो का पर्पस होता है कि आप इन्हें हर एक एज ग्रुप के लिए यूज कर सकते हो। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है या आप अनमैरिड हैं, आप हर कोई इन्हें वियर कर सकते हो। और ये ऐसी ड्रेसेस हैं जो कि हर एक बॉडी टाइप पे अच्छी लगने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। एंड इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो बाद में आपको थैंक यू बोले, बिकॉज इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं जो कि हर किसी को पसंद आने वाली हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस फ्लोरल प्रिंट मैक्सी ड्रेस से, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आई और मे बी आपको भी पसंद आएगी। इसके आप स्लीव डिटेलिंग देखिए, कितनी अच्छे से इन्होंने ये डिटेल कर रखा है, टैसल अटैच कर रखा है। कॉटन फैब्रिक है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है। इसको पहनने के बाद आपको गर्मी नहीं लगने वाली है। एंड इसका ये ब्यूटीफुल प्रिंट देखिए, कितना सुंदर लग रहा है। हाई नेक में कॉलर है, फ्रंट में आपको इस तरीके से 3 लेयर में बटन डिटेलिंग मिल जाएगी। पूरे में आपको सिमिलर प्रिंट मिल जाएगा, बस जो फ्लेयर का प्रिंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसकी स्लीव में प्रिंट है, वैसे ही हमें पूरे फ्लेयर में प्रिंट मिल जाएगा। बीच में सेम ये वाला प्रिंट है और बॉटम में सिमिलर यही वाला प्रिंट सेम है। नीचे इसके भी पूरे में ही इस तरीके से छोटे छोटे टैसल्स लगे हुए। ड्रेस लुक वाइज भी बहुत प्रीटी है। एंड इसमें मैंने एम साइज चूज किया था, जो कि उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, तो मैंने एल साइज में बाय कर लिया, जिसकी वजह से इसकी फिटिंग थोड़ी सी लूज है। मैंने यहाँ पे पिनअप कर रखा है तो थोड़ी सी लूज है। अगर मैंने इसे एम साइज में बाय किया होता तो ये बिल्कुल मुझे फिट आती, लेकिन अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे साइड से थोड़ा सा अल्टर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ये ड्रेस तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगी, बिकॉज ये हर एक साइज पे अच्छी लगेगी। दूसरी बात की अगर आप चाहते हैं इसे एज अ ड्रेस की तरह वियर करें, अदरवाइज आप इसे घर पे गाउन की तरह वियर कर सकते हैं। नाइट में आप आराम से वियर कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में वियर करती है तो भी आपके लिए बहुत कंफर्टेबल होने वाली है। इसका प्राइस है 458 रुपीज। इसमें आपको स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सल तक, इवन 4XL तक मिल जाएंगे। एंड एक ही कलर ऑप्शन है, यही डिजाइन यही कलर आपको मिलेगा। एंड नाउ नेक्स्ट, मैंने हर एक टाइप की ड्रेस को इन्वॉल्व किया, शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है, हाफ स्लीव में भी है, फुल स्लीव में भी है, ताकि जिसको जो पसंद आए वो चूज कर सकता है। एंड सारी ही काफी अफोर्डेबल है। वाह, इसका कलर कितना सुंदर है ना। आई थिंक इसका जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट लग रहा है मुझे। और ये एक शॉर्ट ड्रेस है, जो कि बर्थडे ड्रेस की तरह भी आप इसे वियर कर सकते हो। इसका फैब्रिक काफी ज्यादा सॉफ्ट है एंड ये वेस्ट में इस तरीके से इलास्टिक दिया हुआ है, ट्रिपल लेयर में है, 3 इलास्टिक यहाँ पे अटैच कर रखी है। ये इसका नेक है, यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक को अटैच कर रखा है। स्ट्रेचेबल है, जिसे आप चाहे तो ऑफ शोल्डर वियर कर सकते हैं या पूरा नेक के साथ वियर कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से डोरियन टैसल को भी अटैच कर रखा है। पफ स्लीव्स हैं, यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक को स्टिच कर रखा है, जिससे काफी कम्फी होगा। शॉर्ट लेंथ में है एंड ये इसका पूरा फ्लेयर है। तो जॉर्जेट फैब्रिक है, लेकिन अंदर इन्होंने ये नायलॉन वाली लाइनिंग को भी अटैच कर रखा है व्हाइट कलर में, जो कि मोस्टली फ्रॉक्स में होती है। इसका प्राइस है 362 रुपीज। एंड इसमें एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज तक साइज अवेलेबल है एंड एक ही कलर ऑप्शन आपको मिलेगा। यही एक ड्रेस है, तो मैं पहन के दिखाती हूँ कि पहनने के बाद हमें इसका लुक कैसे मिलेगा। वाओ, ये तो बहुत सुंदर लग रही है, लुक इतनी प्रीटी है। एंड यहाँ से इसका नेक डिजाइन कितने अच्छे से फिट आ रहा है ना। ये डोरी भी है ताकि आप इसे खींच सके और अपने अकॉर्डिंग नॉट कर सके। एंड इसे आप बीच में भी आराम से वियर कर सकते हो, बहुत ही सुंदर फोटोज आएंगी आपकी। एंड बेस्ट थिंग कि इसकी फिटिंग एकदम ओके है, ना टाइट ना लूज। मैंने एम साइज बाय किया था, उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट आया। बैक से भी फ्रंट से भी तो पूरा लुक मैंने साइड में अटैच कर दिया है। लेंथ भी आपकी इसकी नी तक है, तो कोई भी वियर कर सकता है। रिकमेंड कर रही हूँ, आप जरूर इसे परचेज कर सकते हो अगर आपको आपका साइज मिल जाता है तो। एंड प्राइस आप देख सकते हैं कि कितना कम है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एकदम सही एंड बहुत ही सुंदर सी ड्रेस मिल रही है। एंड नाउ नेक्स्ट, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। मैंने ऑयलिंग की थी, सोचा था हेयर वॉश करूंगी और पानी चला गया, तो इसलिए मुझे ऐसे ही नहाना पड़ गया। और बिना हेड वॉश के ना मेरा ऐसा लग रहा है सर फट जाएगा। सो नेक्स्ट है ये रेड कलर की ड्रेस। आई थिंक ये रियॉन फैब्रिक में है। यस, आई एम राइट। इसका जो फैब्रिक है वो रियॉन है। ये ड्रेस भी 3 लेयर में थी, यहाँ से 3 लेयर में फ्लेयर था। और इसका भी इस तरीके से देखो, 3 लेयर में इसका फ्लेयर अटैच है, लेकिन इसका प्रिंट कितना सुंदर है। ओ माय गॉड, सच में ड्रेस बहुत ही प्रीटी है।
बट ये है क्या, ड्रेस है या श्रग है? ये तो मुझे श्रग की तरह लग रहा है कुछ, देखो श्रग लग रहा है ना पूरा ही। ओ रिमेम्बर, ये वाली ड्रेस है जिसे आप श्रग की तरह भी वियर कर सकते हो और इससे आप ड्रेस की तरह भी वियर कर सकते हो। इसके साइड में डोरी लगी होगी, ये दोनों तरफ आपको डोरी मिल जाएगी जिसे आपको इस तरीके से रैप करके और देन वियर करना है। तो इसका रियॉन फैब्रिक है, फुल स्लीव्स में आपको लेंथ मिलेगी और पूरी ही ड्रेस पे, इवन स्लीव्स पे भी आपको सेम ही ये फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा, व्हाइट फ्लावर है और इसका शायद वी नेक बनेगा क्योंकि जब हम ड्रेस को रैप करेंगे तो ऐसे वी नेक बन जाएगा। मुझे लगा था पफी स्लीव्स हैं बट सिंपल स्लीव्स हमें मिल रही हैं एंड बैक से इसका हाई नेक होगा। एम साइज मैंने बाय किया और साइज बिल्कुल परफेक्ट आया है, मुझे एम साइज रिसीव हुआ है। फ्लेयर तो मुझे काफी कमाल का लग रहा है, अगर मैं इसे डेनिम जीन्स के साथ एज अ श्रग स्टाइल करती हूँ तो भी बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो हम पहन के देखते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका बाकी का प्राइस वगैरह डिस्क्राइब करूंगी। तो एक डोरी को मैंने नॉच कर लिया है और ये दूसरा है दूसरे साइड की। इसका नेक थोड़ा सा हाई जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको पिनअप करना पड़ेगा। ये देखो थोड़ा सा क्लीवेज, ओह माय गॉड वाओ, ये तो बहुत ही प्यारी लग रही है ड्रेस। सीरियसली मैं जो इसका लुक एंड फिटिंग आ रही है ना, मेरे सामने मिरर है पूरा, मैं उसमें लुक देख सकती हूँ। वो ड्रेस सच में बहुत ही प्यारी है, इससे आप वकेशन पे भी वियर कर सकते हो, कहीं ट्रिप पे घूमने जा रहे हो अपने हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या फैमिली ट्रिप के लिए। बस अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो यहाँ पे पिन लगा लेना, अदरवाइज ऑकवर्ड हो जाएगा। बट ड्रेस सच में माइंड ब्लोइंग है, इतनी सुंदर ड्रेस। फैब्रिक रियॉन है जो कि कॉटन का काम करता है, जिस तरीके से जो कॉटन फैब्रिक होता है ना वो गर्मियों में काफी कंफर्टेबल होता है, पसीने वगैरह आते हैं तो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसी तरीके से रियॉन फैब्रिक भी काफी अच्छा काम करता है। तो ड्रेस कंफर्टेबल है एंड फिटिंग, इसमें तो बहुत सारे कलर है, इस तरीके की जो मार्बल प्रिंट की ड्रेसेस या जो सूट हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी। तो ये ड्रेस है जिसके योग में आपको इस तरीके से पूरा इलास्टिक के साथ मिलेगा जिससे स्ट्रेचेबल होगा। मैंने एम साइज में बाय किया था, यहाँ पे साइज नहीं दे रखा है। सो अगर बात करें फैब्रिक की तो ये जॉर्जेट फैब्रिक है, देख सकते हैं स्लीव्स में आपको इस तरीके से लास्ट में इलास्टिक मिल जाएंगी एंड पफी स्लीव्स हैं, साथ में यहाँ भी इलास्टिक है ताकि आप चाहें तो ऑफ शोल्डर भी इसे वियर कर सकते हैं। एंड कलर तो बहुत सारे हैं, आप देख सकते हो, डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इसमें 7 से 8 कलर का कॉम्बिनेशन है, लेकिन जो फ्लेयर है वो काफी अच्छा है। ये जो ड्रेस मैंने वियर कर रखी है नी लेंथ से, या आप कह सकते हैं काल्फ लेंथ है, नी से थोड़ी सी नीचे, लेकिन ये जो ड्रेस है वो मैक्सी ड्रेस है जिसकी जो लेंथ होगी वो पूरी होगी एंड फ्लेयर काफी अच्छा है। यहाँ पे भी इन्होंने जॉर्जेट फैब्रिक का ही यूज कर रखा है, लेकिन जैसे कि ये थिन है तो स्लीव्स में तो जरूरत है नहीं इतना, लेकिन जो फ्लेयर है वहां पे अंदर इन्होंने लाइनिंग को भी अटैच कर रखा है ताकि ट्रांसपेरेंट लुक ना रहे। एंड ये नायलॉन फैब्रिक होता है जो कि थोड़ा स्ट्रेचेबल भी होता है, लाइक्रा की तरह होता है, तो पूरे अंदर में आपको इस तरीके से लाइनिंग मिल जाएगी। थोड़ा सा हमें साइज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर सेम साइज आएगा तो ही आप इसे कंफर्टेबली वियर कर पाओगे, अदरवाइज ये यहाँ से बहुत टाइट होगा और आपकी जो अपर एरिया है वो इसमें स्टक हो सकता है जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा गर्मियों में, फिर पसीने वगैरह आएंगे। तो पहन के देखते हैं, उसके बाद हमें पूरा लुक का पता चल जाएगा। नॉट बैड ड्रेस, बहुत ही प्रीटी है, फिटिंग भी एकदम ओके है, मीन्स एम साइज ही रिसीव हुआ है एंड इसका प्राइस है 383 रुपीज। 400 के अंदर में आपको इतनी प्यारी ड्रेस मिल जाएगी, जो शायद वो एक हमारी 500 के ऊपर थी, सिर्फ 2 रुपए ज्यादा, और इसमें आपको एम से लेके डबल एक्सएल साइज तक मिल जाएंगे। तो आप जो भी आपका साइज है, स्मॉल साइज वालों को भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक है तो स्ट्रेचेबल है, तो एक दो साइज ऊपर नीचे हो सकता है। स्लीव्स भी बिल्कुल परफेक्ट है, इलास्टिक जो दिया है काफी कंफर्टेबल है। बात करें अगर फ्लेयर एंड लेंथ की तो फ्लेयर काफी अच्छा है एज पूरा फ्रॉक की तरह। ये है इसका बैक लुक जो कि पूरा फ्रंट की तरह ही है, जिससे फ्रंट में पूरा ऐसे सिंपल सा लुक है एंड कलर तो मैं डिफाइन ही नहीं कर पाऊंगी, इतने सारे इन्होंने कलर यूज कर रखा है, ये बेसिकली मार्बल प्रिंट है। तो अगर आपको पसंद आए देन डेफिनेटली परचेज कर सकते हो, कंफर्टेबल तो होगा ही, साथ में प्राइस के अकॉर्डिंग जो आपको क्वालिटी एंड लुक मिलेगा, जैसे कि आप इस ड्रेस को कहीं भी वियर करके जा सकते हो, घर पे भी अगर आप कंफर्टेबली वियर करना चाहते हो देन आप इसे वियर कर सकते हो, पार्टी वगैरह में भी आराम से इसे स्टाइल कर सकते हो। एक ड्रेस को वियर करना और इसे स्टाइल करने में काफी फर्क होता है। बहुत ही छोटा सा पैकेट लग रहा है,
शायद इसमें कोई शॉर्ट ड्रेस हो। प्रिंट तो बहुत प्यारा लग रहा है, ये रेड नहीं मैरून एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। इसका फैब्रिक पॉलिस्टर है एंड ये भी एक सुंदर सी ड्रेस है जिसके साइड में स्लिट भी है। देखो बहुत प्यारा सा स्लिट है इसके साइड में इस तरीके से। एंड ऐसी ड्रेस शायद मैंने बेला वाइन से बाय की थी ना, हाँ सेम थी बट उसका जो प्रिंट डिजाइन था वो बिल्कुल डिफरेंट था। फ्रंट में आपको इस तरीके से कुछ पफी वाला डिजाइन मिल जाएगा, साथ में डोरी भी अटैच है। ये इसलिए ताकि अगर आप चाहें तो नेक लाइन को अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हैं, और स्लीव्स को आप चाहें तो ऑफ शोल्डर भी वेयर कर सकते हैं क्योंकि इलास्टिक लगी हुई है। यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक का यूज कर रखा है, और चाहे तो ऐसे शोल्डर को ऊपर करके एज अ नेक की तरह भी वेयर कर सकते हैं। काल्फ लेंथ में है एंड साइड में जैसा कि मैंने बताया आपको इस तरीके से स्लिट मिल जाएगा। एंड पॉलिस्टर फैब्रिक है तो इतना अनकंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट ड्रेस है तो आपको हवा लगती रहेगी। अगर वो पूरा कवर हो जाता है ना फुल लेंथ में तो फिर थोड़ा सा सफोकेशन होता है, लेकिन शॉर्ट में नहीं होगा। एंड फिटिंग वगैरह तो मुझे काफी सही लग रही है। यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक दे रखा है, स्ट्रेचेबल है ताकि आपको यहाँ से प्रॉब्लम ना हो रिस्ट में। तो पहन के देखते हैं, ड्रेस तो काफी प्यारी है एंड देखते हैं इसमें और कलर ऑप्शन है एंड प्राइस इसका क्या है। ओ माय गॉड, इसका प्राइस है सिर्फ 285 रुपीज। 300 के अंडर में इतनी सुंदर ड्रेस मिल रही है। वो जो मैंने बेला वाइन से ली थी ना, आई मीन वो मैंने मिंत्रा से बाय की थी, सेम ड्रेस का मैंने शायद 680 कुछ पे किया था। 300 रुपए में इतनी सुंदर ड्रेस कैसे मिल सकती है सिर्फ मीशो पे। इसमें आपको स्मॉल से लेके एक्सेल साइज तक मिल जाएंगे। वाओ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरी पसंद कितनी अच्छी है ना, बस लड़कों के मामले में नहीं है। इसका भी फिटिंग देखिए आप, सिर्फ 300 रुपए में, चलो हम 300 मान के चलते, 300 रुपए में इतनी सुंदर ड्रेस कहाँ मिलेगी मुझे, कहाँ। यहाँ से फिटिंग देखिए, इलास्टिक इसकी वजह से एकदम परफेक्टली फिट आ रहा है। ये वाला जो पोर्शन है काफी थोड़ा सा पफी लग रहा है, लेकिन जो लुक है वो काफी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये डोरी भी दिया हुआ है ताकि हम नेक डिजाइन को, नेक लाइन को अपने अकॉर्डिंग ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। बट ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है एंड ये तो शॉफ के लिए हो जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने ना टैसल अटैच नहीं कर रखा, दोनों में नहीं कर रखा, टैसल अटैच कर देते बट ठीक है जो भी है। स्लीव्स भी बहुत कंफर्टेबल है, पफी स्लीव्स हैं शॉर्ट में, तो पूरा लुक साइड में आप देख सकते हो, साइड में स्लिट भी है तो आप थोड़ा शॉफ भी कर सकते हो। ओवरऑल ड्रेस बहुत ही सुंदर है, प्रीटी है एंड एम साइज में बाय किया तो पूरा बिल्कुल फिट आया है, एकदम सेम एग्जैक्ट साइज इन्होंने मुझे भेजा हुआ है। स्मॉल से लेके आपको एक्सेल साइज तक मिल जाएगा, जो भी आपका साइज है वो चूज कर सकते हो। डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो, 300 में क्या ही आए। ये तो वही ड्रेस है जो शायद मैंने 200 या 250 रुपए में बाय की है, मुझे इतना याद है कि 200 ही कुछ ऐसा इसका प्राइस है। और ये पूरी लेंथ में मैक्सी ड्रेस है, साइज 1 लिखा हुआ है, एम साइज में मैंने चूज किया था। देखो फैब्रिक थोड़ा सा वैसे चिकना वाला पॉलिस्टर फैब्रिक है, जैसे वो शर्ट का फैब्रिक होता है ना वैसा इसका फैब्रिक है एंड फ्लेयर वगैरह तो काफी अच्छा है। मैक्सी ड्रेस है फुल लेंथ में, देखो ये फुल स्लीव्स हैं। ऐसे इस डिजाइन को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, जो लोग सिलाई कर देंगे उनको पता होगा तो मुझे कॉमेंट करके बताना। स्लीव्स में भी ऐसे ही डिजाइन है और यहाँ पे योक में भी ऐसे ही सेम डिजाइन मिल जाएगा जैसा कि हमारे वो मार्बल प्रिंट वाली ड्रेस में था। सेम ऐसे पूरे में आपको इलास्टिक मिलेंगी जिससे काफी ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है, कंफर्टेबली आप इसे वियर कर सकते हैं। और ये यहाँ पे भी इन्होंने इलास्टिक दे रखा है जैसे कि इस वाली में, तो ताकि आप इन्हें चाहें तो ऑफ शोल्डर भी ऐसे वियर कर सकें। स्क्वायर नेक है और फुल लेंथ है ड्रेस की, देख सकते हैं आप, और वन लेयर में ही फ्लेयर है, फ्लेयर काफी अच्छा है, ऐसे प्रॉपर फ्रॉक वाला है एंड पूरे ही फ्लेयर पे या पूरी ड्रेस पे आपको इस तरीके से ये येलो फ्लावर प्रिंट मिल जाएगा जो कि प्रॉपर समर वाली वाइब दे रहा है, गर्मी में लग ऐसा लुक चाहिए आपको। देखो ड्रेस का लुक तो बहुत प्यारा लग रहा है और आपको भी दिख रहा होगा कि ड्रेस काफी सुंदर दिख रही है मेरे ऊपर, बट थोड़ी सी ना प्रॉब्लम आ रही है जैसे शॉर्ट स्लीव्स हैं, अभी मैं फुल लेंथ में है तो इन्हें ऐसे करती हूँ तो यहाँ से उतर जाता है, अब इसको खींचती हूँ तो ये यहाँ से स्लीव्स चढ़ जाती हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है क्योंकि यहाँ से फिर मुझे टाइट लग रहा है। और या तो ये पूरी स्लीव्स होती या तो ये हाफ होती, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ से ये टाइट पड़ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद वो निशान से भी पड़ जाएंगे। वैसे ड्रेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है, यहाँ से फिटिंग बिल्कुल ओके है। अब तक हमने जितने भी ड्रेस बाय किए ना किसी में भी अदर कलर ऑप्शन नहीं था, एक ही सिंगल कलर ऑप्शन, एक ही वेरियंट है, इसमें भी सेम ऐसा ही है। और इसका प्राइस है 299 रुपीज, ऐसा मुझे लग रहा है कि प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ है क्योंकि जब मैंने बाय किया था शायद 257 ऐसे कुछ प्राइस था इसका,
अभी 300 हो गया है, लेकिन 300 के अकॉर्डिंग भी ड्रेस काफी ज्यादा ठीक है और इसमें आपको स्मॉल से लेकर डबल एक्सल साइज तक मिल जाएंगे। सो मीन साइज भी सारे अवेलेबल है, फिटिंग वगैरह काफी अच्छी है और या इन्होंने मुझे एम साइज ही भेजा हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरा लुक, अगर आपको पसंद आए देन आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं, अगर आप इससे बियर कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से ही टाइट हो रहा है, बाकी ओके। ये भी काफी छोटा पैकेट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें शॉर्ट ड्रेस हो सकती है। वाओ, इसका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, ऑफ ब्लू है, शादी से ऑफ ब्लू ही बोलते हैं या जो भी ब्लू बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, समथिंग ऐसे वो फेड ब्लू या, और पूरे ही ड्रेस पे आपको इस तरीके से ये व्हाइट फॉल का डॉट मिल जाएंगे जो कि काफी बड़े साइज में है। इसका भी जो पॉलिएस्टर है, इसका फैब्रिक पॉलिएस्टर है और फ्लेयर है इस तरीके से, नीचे इन्होंने ये फ्रिल भी अटैच कर रखी है फ्लेयर में इस तरीके से। फ्लेयर ज्यादा अच्छा नहीं है, प्रॉपर एक फ्रॉक वाला जो होता है वो है। योग का डिजाइन ऐसा ही जैसे इसका था, यहाँ पे स्ट्रेच है, इलास्टिक का यूज कर रखा है, तो पूरे में यहाँ पे भी देख सकते हैं थिक इलास्टिक यूज की गई है जिसे काफी ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है। एंड इसका भी स्क्वायर नेक बनेगा बट आप इससे ऑफ शोल्डर भी वियर कर सकते हो। पफी स्लीव्स है शॉर्ट में, यहाँ पे इन्होंने इलास्टिक को अटैच कर रखा है, थोड़ा सा हार्ड वाला पॉलिएस्टर है जो कि थोड़ा इरिटेट कर सकता है समर में, बट फिर से वही कहूंगी कि शॉर्ट ड्रेस है, हाफ स्लीव्स में है तो आप इसे आराम से वियर कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अंदर कोई लाइनिंग अटैच नहीं है, एक ही कलर ऑप्शन था और ये मुझे एम साइज में ही रिसीव हुआ है। यस, एम साइज भेजा हुआ है, साइज एकदम परफेक्ट आया, काल्फ लेंथ में है, ये जैसे फुल में था ये आपको घुटनों से थोड़ी सी बड़ी है और वैसे लुक तो काफी सही आएगा, पहन के देखते हैं उसके बाद मैं आपको इसका पूरा प्राइस वगैरह बताती हूँ। सो फिटिंग आप देख सकते हो बिल्कुल परफेक्ट है, अगर यहाँ से फिट आ रहा है तो फ्लेयर भी ठीक ही होगा। एंड ऐसे जो ड्रेसेस होती है ना इनमें उल्टा और सीधा कुछ नहीं होता बिकॉज फ्रंट एंड बैक का जो लुक है वो पूरा सेम होता है, तो आप इन्हें उल्टा सीधा कैसे भी वियर कर सकते हो। इसके स्लीव्स बड़ी प्यारी लगती है, बिल्कुल फ्रॉक वाला लुक आ रहा है, डॉल वाला, अगर सेम हम व्हाइट कलर में या इस तरीके से हेयर बैंड लगा लेंगे या मैं इसके साथ में इस तरीके से व्हाइट स्क्रंची वियर करूंगी तो काफी सुंदर लुक आएगा। वाओ, इसका प्राइस जैसे 190 रुपीज, आपको 200 रुपये में इतनी सुंदर ड्रेस मिल रही है बट एक ही कलर ऑप्शन है एंड 3 साइज है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, तो यही तीनों साइज वाले इसे बाय कर सकते हैं। लेकिन काफी अफोर्डेबल ड्रेस है जिसका लुक बहुत ही प्यारा है, साइड में पूरा लुक अटैच कर दिया, अगर आप इसे अच्छे से स्टाइल करेंगे व्हाइट हील के साथ या हाई बूट के साथ तो काफी सुंदर लुक मिलेगा। अच्छे से हेयर स्टाइल बना लीजिए, ज्वेलरी वगैरह ऐड कर लीजिए, एक व्हाइट कलर का पर्स कैरी कर लीजिए, जूट बैग, तो प्रॉपर सुंदर सा लुक मिल सकता है समर के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये ड्रेस मैंने 3 टाइम ऑर्डर किया, 2 बार कैंसिल हो गया, 3rd टाइम ये रिसीव हुआ है और ये मैंने दूसरे ऐप पे भी देखा था, मिंत्रा एंड ऑजियो पे, पहले मैंने गूगल पे देखा था फिर मैंने सेम स्क्रीन शॉट लेके, ऐसा नहीं था वो ड्रेस, थोड़ा डिफरेंट था बट ऐसे ही चेक फैब्रिक के साथ में था और गूगल पे तो पता नहीं क्या ही प्राइस दिखा रहा था, 3000 कुछ, फिर मैंने मिंत्रा पे देखा तो शायद वहां पे 1400 कुछ था, फिर मैंने मीशो पे देखा क्योंकि लास्ट में बचता है मीशो जब हमारे बैंक बैलेंस से मैच करता है, तो फाइनली मैंने इसे बाय किया मीशो पे। ये जो प्रिंट है ना ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, चाहे वो ब्लेजर में है, स्कर्ट में है, इस तरीके की जो ट्राउजर है वो भी ट्रेंड कर रही है, टॉप भी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वाई नॉट ड्रेस। चलो तो बहुत हो गई बकबक, अब मैं इसको पैकेट को करती हूँ अनपैक, इधर से होगा और एक प्रॉपर फ्रॉक मैक्सी ड्रेस है जो कि थोड़ा थिक फैब्रिक के साथ है। देखो सिंपल ड्रेस है लेकिन जो इसका लुक आएगा ना वो थोड़ा डिफरेंट आएगा, पूरा लुक आप ये वाली ड्रेस है और मैं साइड में अटैच करूंगी बट उससे पहले यहां से थोड़ा सा पफ है स्लीव में और फुल स्लीव्स है, फैब्रिक ये जो खादी वाला कॉटन होता है ना वो फैब्रिक है इसका। इसमें मैंने एल साइज चूज किया है क्योंकि एम साइज डेट टाइम पे अवेलेबल नहीं था बट इसके वेस्ट में इलास्टिक है तो मे भी ये अच्छे से फिट आ जाएगा, अगर इलास्टिक नहीं होती तो ये काफी लूज होता। बैक से इसका नेक हाई है एंड जो फ्रंट का नेक है वो स्क्वायर में है, स्क्वायर में है और मुझे स्क्वायर नेक के जो सूट या टॉप वगैरह बहुत पसंद है। पूरा फ्रॉक ड्रेस है, 2 लेयर में इसका फ्लेयर है और फ्लेयर बहुत ही ज्यादा है, प्रॉपर एक फ्रॉक वाला या स्कर्ट वाला लुक प्रोवाइड करेगा। एक ही कलर ऑप्शन था, एक ही वेरिएंट था
और अब बात कर लेते हैं इसके हम प्राइस की। इसका करंट प्राइस है 395 रुपीज। उसके अकॉर्डिंग जो मटेरियल एंड फैब्रिक की क्वालिटी है वो काफी अच्छी आई है। फिटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज अगर फिट अच्छे से आएगा तो ही ड्रेस प्यारी लगेगी, और इसमें आपको स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सल तक मिल जाएंगे। तो साइज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। और अब मैं इसे पहन के देखती हूँ। वाओ, ये ड्रेस मुझे बिल्कुल एलिजाबेथ वाला लुक दे रही है, एकदम जैसे वो लोग गाउन पहनते थे पहले। सेम वैसा ही है, फिटिंग वगैरह काफी अच्छी, एल साइज में लिया है तो बहुत ही कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं कि ये लूज है, इलास्टिक की वजह से इसका जो शेप क्रिएट होगा वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। फ्लेयर एकदम गाउन वाला है, राजकुमारियों वाला। अगर यहाँ पे हम एक रिबन के साथ वो ऐड कर लेंगे तो प्रॉपर एक जो गाउन होता है ना वैसा लुक क्रिएट हो जाएगा। साइड में पूरा लुक मैंने अटैच कर दिया है, परचेज करना ना करना वो आपकी मर्जी है, बट जो ड्रेस है ना उसका जो लुक है वो थोड़ा ब्रांडेड वाला मिल रहा है। ऐसे अगर आप जारा या H&M या किसी और ब्रांड से खरीदेंगे तो आपको बहुत ही कॉस्टली पड़ेगी, जो कि आपको मीशो पे सिर्फ 400 रुपीज में मिल रही है। अभी 3 ड्रेस और लेफ्ट है तो जाना नहीं छोड़कर मुझे। तो कपड़े को हाथ लगाते ही पता चल गया कि जो फैब्रिक है वो रेयन है, बस थोड़ा सा इसमें मार्ट चढ़ा हुआ है, जो स्टार्च उसको धोएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। स्ट्रैप के साथ है जिससे आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो शॉर्ट या बड़ा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये लूप या हुक जो भी है वो दे रखा है। फ्रंट से जो है ड्रेस सेम ऐसे सिंपल प्लेन ड्रेस है, लेकिन बैक से इन्होंने इस तरीके से इलास्टिक को अटैच कर रखा है, स्टिच कर रखा है, ताकि वो स्ट्रेच करे और आपको अनकंफर्टेबल फील ना हो। एम साइज में ड्रेस रिसीव हुआ है क्योंकि मैंने एम साइज ही चूज किया था, और सारी ड्रेस मैंने एम में ही बाय की है। जिसमें एम नहीं था उसमें मैंने एक्सल चूज किया, क्योंकि लूज चल जाता है लेकिन टाइट होता है तो फिर वो ड्रेस आती नहीं है। और अगर मैं रिटर्न करना चाहूँ फिर वही बात है, अगर साइड से फट गया तो रिटर्न करने में भी दिक्कत होती है, सेलर अगर उसको किसी और को भेजेगा तो फालतू में उसका नुकसान हो जाए। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए जबरदस्ती किसी ड्रेस को ना पहने, तो इसलिए मैं ऑलवेज एक साइज बड़ा चूज करती हूँ अगर मेरा साइज अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है, मैंने साइज बता दिया। सो इतनी लेंथ है, नी लेंथ तक है। फ्लेयर इसका सिंगल लेयर में है तो थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं है बट ठीक ठाक फ्लेयर है, जैसे एक नॉर्मल फ्रॉक ड्रेस में होता है कुछ इतना फ्लेयर है। और पूरी ड्रेस पे आपको इस तरीके से व्हाइट फ्लोरल प्रिंट मिल जाएगा। ड्रेस काफी ज्यादा कम्फी होने वाली है अगर आप इस तरीके से स्ट्रैप ड्रेस के साथ कंफर्टेबल है, देन आप इसे आराम से वियर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनकंफर्टेबल हैं देन आप इसके ऊपर कोई छोटा श्रग वियर कर सकते हैं, डेनिम जैकेट वियर कर सकते हैं, जो कि समर में नहीं लेकिन अगर आप विंटर में इसे स्टाइल करें देन डेफिनेटली आप इसके ऊपर कोई डेनिम जैकेट वियर करके और नीचे व्हाइट शू या व्हाइट स्नेकर वियर करके एक अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। लुक काफी अच्छा है, बस फिटिंग थोड़ी सी मुझे यहाँ से टाइट लगी, लेकिन अभी ड्रेस पे स्टार्च है तो जब हम 2 से 3 बार इसे वॉश करेंगे ना तो ड्रेस का फैब्रिक थोड़ा सा लूज होगा, देन वो आराम से फिट आ जाएगा। वैसे भी यहाँ से स्ट्रेचेबल है बैक से तो स्ट्रेच कर जाएगा। एम साइज के अकॉर्डिंग फिटिंग ठीक है, मैं परफेक्ट नहीं बोल सकती बट हाँ ठीक है। और स्ट्रैप को तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, लेंथ इसके आप देख सकते हो नी लेंथ तक है। इसका प्राइस है 295 रुपीज एंड इसमें आपको एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके ट्रिपल एक्सल तक मिल जाएगा। तो साइज तो सारे अवेलेबल हैं, जो भी आप आपका साइज हो वो आप चूज कर सकते हो। पूरा लुक मैंने साइड में अटैच कर दिया, बर्थडे पे भी आप ये कर सकते हो। सो वी कैन से कि एक सिंपल सी मतलब सुंदर सी ड्रेस है जिसे आप गर्मियों के लिए स्टाइल कर सकते हो। अगेन एक मैक्सी ड्रेस है शायद, और अब हम जल्दी जल्दी शूट को खत्म कर दें क्योंकि लाइट जा रही है। फिर ड्रेस की क्वालिटी दिखाई नहीं देती, कलर थोड़ा डिफरेंट नजर आता है। ओ, इसमें हमें एक बेल्ट भी मिलती है, लेदर बेल्ट है। ये वाली ड्रेस है जो मैंने साइड में अटैच कर रखी है। यार मुझे ऐसा लग रहा था ये रेयन फैब्रिक में आएगा बट ये तो जॉर्जेट फैब्रिक में आया है। बट ड्रेस बड़ी प्यारी है यार, सीरियसली में। बट शायद एम साइज लिखा हुआ लेकिन यहाँ पे साइज मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। देखो ये साइज मुझे नहीं आता है, ये तो मुझे एक्सल नहीं डबल एक्सल लग रहा है। और ये है इसकी फुल स्लीव्स, प्रिंट तो काफी अच्छा है, नेवी ब्लू कलर है जिसपे व्हाइट एंड ब्लू का थोड़ा कॉम्बिनेशन है। जॉर्जेट फैब्रिक है, 3 लेयर में इसका फ्लेयर है, लेकिन फ्लेयर ड्रेस का बहुत ही अच्छा है। देखो मैक्सी ड्रेस है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेयर वगैरह बहुत ही अच्छे से दे रखा है। और स्क्वायर नेक है,
फ्रंट से भी और बैक से भी इस तरीके से। मुझे इसका प्रिंट बहुत प्यारा लग रहा है क्योंकि आप इसे कहीं भी स्टाइल करके जा रहे हो, वैसे भड़कीला कलर नहीं है, ब्राइट कलर नहीं है, इस वैसे जो आई कैचिंग कलर होते हैं ना एकदम आंखों में नोटिस हो जाते हैं वैसा कलर नहीं है। और इसके अंदर हमें मिलेगी अटैच लाइनिंग बट स्लीव्स में नहीं है, ये ब्लैक लाइनिंग अटैच कर रखी है, ओके नजर नहीं आएगी, तो पहन के देखते हैं। साथ में बेल्ट को भी अटैच करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस एंड साइज सब कुछ बताऊंगी। देखो बिना बेल्ट के अगर हम पहनेंगे ना तो कितना लूज आ रहा है, ऐसा लग रहा है एक्सेल या डबल एक्सेल में। अब हम इससे बेल्ट को अटैच करके देखते हैं, उसके बाद ऐसे ड्रेस काफी प्रिटी है, समर में कहीं भी स्टाइल करके जा सकते हो किटी पार्टी में अगर जाते हो तो। और इसके अलावा यहाँ पे एक हमें एक्स्ट्रा होल करना पड़ेगा बिकॉज है नहीं यहाँ तक, एंड आप इसे ऑफिस वगैरह भी पहन के आराम से जा सकते हो, अगर आप टीचर हो देन आप डेफिनेटली इसे वियर कर सकते हो, काफी सुंदर लुक मिलेगा। इसके अलावा बाहर घूमने जा रहे हो बच्चों के साथ में, और अगर आप अनमैरिड हैं देन तो आप इसको पहनने के बाद बिल्कुल डॉल लगने वाली, बहुत सुंदर लुक मिलेगा। एंड बेस्ट थिंग की बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, तो हर किसी के लिए, आई मीन कोई भी एज एंड कोई भी साइज है, कोई भी कंडीशन है, अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं आपके बच्चे हैं हर कोई इसे वियर कर सकता है। और ज्यादातर मैंने ड्रेस इसीलिए सारी ऐसे इन्वॉल्व की हैं ताकि ये हॉल हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो, किसी एक एज ग्रुप को मैंने टारगेट नहीं किया है। इसका प्राइस है 514 रुपीज, 500 से थोड़ा सा ऊपर है, बट इसमें एम से लेके डबल एक्सल साइज तक अवेलेबल है, लेकिन ये जो साइज है ना इसे स्मॉल वाले भी आराम से वियर कर सकते हैं बिकॉज इसके साथ में बेल्ट अटैच है। बट ये एम साइज होने के बाद भी काफी ज्यादा लूज था, ऐसा लग रहा था लार्ज साइज में भेजा हुआ, तो जो इनका डबल एक्सल होगा ना वो ट्रिपल एक्सल वालों को भी आराम से आ जाएगा, और जो मीडियम से नीचे वाले हैं मीडियम स्मॉल एंड एक्स्ट्रा स्मॉल वो एम साइज बाय करके देन इसे इस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, एंड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रेस है ये जो कि रेड कलर में है और शायद मुझे ऐसा लग रहा है जॉर्जेट फैब्रिक है। ये एक सिंगल ड्रेस है जिसमें आपको 3 से 4 कलर अवेलेबल मिल जाएंगे, बाकी सारी जितने भी ड्रेस थे सब में एक ही एक कलर अवेलेबल था। तो ये हाफ स्लीव्स में इस तरीके से ड्रेस है, ये मुझे इतनी खास नहीं लग रही है, थोड़ा ब्राइट रेड कलर है, बाकी की जो कलर है वो भी प्यारे हैं और ब्लैक वाला भी काफी अच्छा लग रहा था। तो स्टार्ट करते हैं नेक से, स्क्वायर में ऐसे थोड़ा हाई नेक है, दोनों तरफ सेम नेक है, एम साइज में मैंने बाय किया है, एम ही आया है, हाफ स्लीव्स है बट यहाँ पे ऐसे शोल्डर में इन्होंने फ्रिल को अटैच कर रखा है जॉर्जेट फैब्रिक में, अंदर आपको इस तरीके से नायलॉन फैब्रिक में लाइनिंग मिल जाएगी जो कि पूरी बॉटम तक है, डबल लेयर में फ्लेयर है इस तरीके से देख सकते हैं, और नीचे ऐसे जो नीचे वाला फ्लेयर है वो ऐसे फ्रिल की तरह अटैच कर रखा है, ऊपर का फैब्रिक पूरा ही जॉर्जेट है बट इसमें इस तरीके से छोटे छोटे डॉट डॉट बने हुए हैं। एंड बेस्ट थिंग की फ्रंट एंड बैक दोनों का लुक बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई इलास्टिक नहीं है तो फिट देखते हैं कि कैसा आता है। ड्रेस बहुत सुंदर नहीं है बट हाँ ओके ओके है, तो देखते हैं पहन के, फिटिंग तो एकदम परफेक्ट है एंड ये जो डिजाइन है ना ये बहुत ही सुंदर लुक प्रोवाइड कर रहे हैं एकदम डॉल वाला, एंड ब्राइट कलर है, वैसे भी रेड कलर सब पे फकता है तो कलर वगैरह भी मुझे बहुत पसंद आया। कार्फ लेंथ में है तो वैसे भी लुक काफी सुंदर मिल रहा है। ओवरऑल ड्रेस मुझे काफी सही लगी, इसमें 4 कलर ऑप्शन अवेलेबल है और स्मॉल से लेके आपको एक्स्ट्रा लार्ज तक साइज भी मिल जाएगा, तो आप अपना साइज चूज कर सकते हो, कलर भी आप दूसरा चूज कर सकते हो। इसका प्राइस है 337 रुपीज, तो आप डिसाइड करो कि अकॉर्डिंग टू प्राइस ड्रेस सही आया है या नहीं आया। मैंने पूरा लुक साइड में अटैच कर दिया है, तो ये था हमारा पूरा हॉल, यार काफी सही लग रही है ड्रेस एंड फोटोशूट वगैरह भी इसमें बहुत अच्छा होगा, फोटोज बहुत अच्छी आने वाली है। ओके तो अब हम इस हॉल को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, आपको पसंद आया हो, बिकॉज मैंने इसमें हर तरीके की ड्रेसेस इन्वॉल्व करने की कोशिश की है ताकि हर कोई इसे बाय कर सके, क्योंकि मेरा पॉइंट ये है कि मेरी वीडियो हर एक एज ग्रुप के लिए बेनिफिशियल हो, ऐसा नहीं कि शादी होगी तो शौक खत्म हो गया, नहीं आप किसी भी एज में ऐसी ड्रेसेस स्टाइल कर सकते हो, और जो ड्रेस ज्यादा रिवीलिंग है या अनकंफर्टेबल है बॉडी को एक्सपोज करती है तो ऐसी ड्रेसेस तो हर एक मिडिल क्लास फैमिली में अलाउ नहीं होती, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है नहीं पहन सकते, मैं खुद नहीं पहन सकती, तो ऐसी ड्रेसेस हैं जो कि हर कोई वियर कर सकता है, सबके ऊपर बहुत अच्छी लगने वाली, और समर में आप इन्हें कहीं भी वियर करके जा सकते हो। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना,
कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी, और जैसा भी वीडियो आपको लगा वो अपना ओपिनियन दे दिया करो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना मैं उसमें थोड़ा सा चेंज लाऊंगी, सुधार लाऊंगी, अपने आप को इम्प्रूव करूंगी। वीडियो शेयर कर देना ताकि आपके फ्रेंड आपको थैंक बोले कि हाँ इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस वो भी मीशो से इतने कम प्राइस में। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू, बाय, टेक केयर।